Hello everyone, how are you all? Welcome back to my channel again. आज जिस टॉपिक पे मैं बात करूंगी, थैंक यू सुनरी मैम, आप ये टॉपिक मुझे चाहते थे कि मैं इस पे बोलूं, तो ये टॉपिक मैं लेकर आई हूँ, सिंगल चाइल्ड वर्सेस टू और मोर चिल्ड्रन। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, मैं एक टीचर हूँ, एक मदर भी हूँ, तो आई हैव टू हैट्स ऑन, एक टीचर की हैट, एक मॉम की हैट, और सेकेंडली क्योंकि इतने सालों से टीचिंग में हूँ, तो आई कुड सी इन अ ग्रुप प्ले या इंडिविजुअल प्ले में भी, स्पेशली आई वुड से इन अ ग्रुप प्ले, कि कौन सा बच्चा इज अ सिंगल चाइल्ड एंड हु इज यंगेस्ट सिबलिंग और ओल्डेस्ट ऑफ द सिबलिंग या वॉट एवर, मतलब एक ग्रुप प्ले में पता चल जाता है बच्चों के उनके खेलने के स्टाइल से, उनके शेयरिंग स्किल्स से। तो आज मैं इस टॉपिक को लूँगी और आई होप कि आपको पसंद आएगा। पसंद के लिए नहीं ये बनाना है, एक्चुअली यू हैव टू रिफ्लेक्ट ऑन योर पेरेंटिंग स्टाइल, अपने पेरेंटिंग को देखिएगा। जैसे यहाँ मैं आपको पहले भी कह चुकी हूँ कि मैं एक टीचर हूँ, एंड वॉट आई लाइक अबाउट टीचिंग इज बींग अ रिफ्लेक्टिव टीचर। ये सारा दिन जो हम काम करके आते हैं एंड ड्यूरिंग बेड टाइम, जब या जो भी आपका खाली टाइम है उसमें आप सोचते हैं सारा दिन, आज मैंने ये प्लान किया था, डिड इट गो वेल और नॉट। एंड ऐसा ज़रूरी नहीं कि आज मैंने जो प्लान किया हो एनवायरनमेंट को, कि आज मैं ये एक्टिविटी करूँगी बच्चों के साथ, आज वो वाली एक्टिविटी करूँगी, एंड इट शुड गो हाउ आई प्लान। इट्स नॉट लाइक दैट, इट डजेंट गो लाइक द वे समटाइम्स वी प्लान द थिंग्स और वी थिंक। तो उसमें टू ग्रो एज अ प्रोफेशनल, उसमें एवरी टाइम ट्राई टू बी अ क्रिटिकल एनालिस्ट, एक क्रिटिकल एनालिसिस करिए कि आज मैंने ये जो प्लान किया था, इट डिडंट गो द वे आई वॉन्टेड इट। ऐसे ही पेरेंटिंग के लिए, क्योंकि मेरा ये वीडियोज़ जो है ख़ास तौर पर मैंने पेरेंट्स के लिए बना रही हूँ, क्योंकि एज अ टीचर आई कुड सी समटाइम्स, इवन आई एम नॉट अ परफेक्ट मम, बट एवरी डे वी लर्न फ्रॉम ईच अदर। और अगर हमें ये अवेयरनेस हो जाए, बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, बहुत छोटी छोटी चीज़ें, इफ़ वी आर अवेयर हाउ टू सेटअप और हाउ टू क्रिएट दोज लर्निंग मोमेंट्स, अपनी पेरेंटिंग में अगर हम कुछ अवेयरनेस ले आए इसको इम्प्रूव करने की, तो आई एम श्योर वी कैन रेज अ ब्यूटिफुल वर्ल्ड, क्योंकि सबका थिंकिंग पैटर्न वही होगा ना। आजकल के टाइम में आप देख रहे हैं कितना कॉम्पिटिशन हो गया है, कितना कॉम्पिटिशन है, हर कोई एक दूसरे को, एक दूसरे से पता नहीं कौन सी रेस में आगे बढ़ने में लगे हुए हैं। लेकिन अगर हम ये बात समझ आ जाए, अगर हमारे वही अर्ली ईयर्स में द फाउंडेशन इज, अगेन इट कम्स बैक टू अर्ली 5 ईयर्स। और मैं इंडिया में भी टीचर थी, आई यूज्ड टू टेक ईयर 1 टू ईयर 12, सो आई हैड सीन ऑल द एज ग्रुप्स। लेकिन यहाँ जब हम न्यूजीलैंड आए, तो यहाँ आकर जब मेरी बिटिया, छोटी वाली बिटिया ने किंडी स्टार्ट की, तो इट वॉज एंटायरली डिफरेंट पैटर्न ऑफ टीचिंग ओवर हियर। उसको अंडरस्टैंड करने के लिए आई वॉन्टेड टू डू दिस कोर्स, एंड आई वॉज वेरी ग्लैड कि आई डिड दिस कोर्स। मुझे तो ऐसा लगा जैसे मैं एक रिसर्चर बन के निकली हूँ, ये पढ़ाई जब ख़त्म करी मैंने। इट वॉज सो इंटरेस्टिंग, सो इंटेंस, चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में पता चला, और इट वॉज रियली इंटरेस्टिंग। तो मैं तो सबको रिकमेंड करूँगी, अगर आपके पास आपके चिल्ड्रन, इफ़ यू हैव चिल्ड्रन, मस्ट डू इट। कोर्स तो डेफिनेटली नहीं कर पाएंगे, लेकिन एटलीस्ट वी लिव इन अ डिजिटल वर्ल्ड, अगर आपके बच्चे हैं तो कुछ ना कुछ टिप्स या स्ट्रेटजीज अगर आपको मिलती हैं कहीं से भी, तो इंस्टेड ऑफ सारा दिन आप टीवी तो देखते ही होंगे, कुछ ना कुछ तो प्रोग्राम देखते होंगे, और डू एक्सप्लोर दीज एरियाज एज वेल, क्योंकि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और वो सीखना हमारे अपने बच्चों के ही काम आएगा, उनका भविष्य ही नहीं, हमारा भविष्य भी ब्राइट होगा। क्योंकि हमारे बच्चों का अगर भविष्य ब्राइट है डेफिनेटली, और उनकी वैल्यूज़ अगर इतनी स्ट्रांग है, एक रिस्पेक्टफुल उनकी उनकी कोर वैल्यू आ जाती है, ट्रस्ट करना आ जाता है, उनकी सेल्फ एस्टीम हाई है, वो रेजिलिएंट हैं, वो रिस्पेक्ट करते हैं सबकी, और क्या चाहिए आपको, यही तो बेस चाहिए। नो मैटर, चाहे फिर आप अपनी फैमिली में हैं, वो बच्चा बड़ा होकर अपनी फैमिली में है, या वो किसी कंपनी का सीईओ बनता है, या कहीं का मैनेजर बनता है, कोई टीचर है, कहीं भी वर्क प्लेस में है, एनी वर्क प्लेस, किसी भी प्रोफेशन में, ही नोज हाउ टू रिस्पेक्ट हिज टीम मेंबर्स और हर टीम मेंबर्स।
क्योंकि हर एक की अपनी इंडिविजुअलिटी है। एक रेनबो तभी तो कंप्लीट होता है जब सबके जो सातों रंग निखर के आते हैं। और ये अगर आपके बच्चों ने सीख लिया तो आप खुद पे प्राउड करेंगे। जैसे कि मैं आपको पहले भी कह रही थी कि टीचर हूँ मैं, और ग्रुप प्ले में बड़ा क्लियरली विजिबल हो जाता है कि हु इज़ अ सिंगल चाइल्ड और हु इज़ यंगेस्ट और ओल्डेस्ट ऑफ द सिबलिंग्स। और इसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स दूंगी, कुछ आप रिफ्लेक्ट करिएगा। एंड इफ यू थिंक यू आर डूइंग द सेम थिंग अनइंटेंशनली, अननोइंगली ऑफ कोर्स, क्योंकि हर माँ बाप हर पेरेंट्स चाहते हैं टू गिव द बेस्ट टू देयर चिल्ड्रन। अब हम आते हैं सिनेरियो वन पे, व्हेन यू हैव अ सिंगल चाइल्ड। कहाँ हम गलती कर जाते हैं, क्योंकि एक एक ही बच्चा है तो डेफिनेटली यू वॉन्ट टू गिव द बेस्ट ऑफ एवरीथिंग टू योर चाइल्ड। लेकिन क्या आप ये ध्यान रख रहे हैं कि ये बच्चा सिर्फ घर चार दीवारी के अंदर तो आपने सब कुछ प्रोवाइड कर दिया, बेस्ट से बेस्ट, ब्रांडेड से ब्रांडेड चीज़ें, लेकिन इस बच्चे को क्या आपने लाइफ स्किल दी घर से बाहर निकल के बाहरी दुनिया में तैयार होने के लिए? आप हर चीज़ इजीली अवेलेबल उसके लिए करते जा रहे हैं, जहाँ ही डजन नो हाउ और शी डजन नो हाउ टू शेयर, क्योंकि ही डजन हैव और शी डजन हैव एनी सिबलिंग टू शेयर विद। और बाहर यही बच्चा जब स्कूल में जाता है, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कितना बच्चे स्ट्रेस्ड होते हैं, बिकॉज दे आर नॉट वर्बल, दे कांट एक्सप्रेस। तो हमें लगता है कि ये बच्चा या तो थक गया है इसलिए क्रैंकी हो रहा है, या है ही ऐसा, और हम अनजाने में और गलतियां कर बैठते हैं, टू से रॉन्ग और टू से नेगेटिव इन फ्रंट ऑफ एम, और विच इज़ रियली नॉट गुड। इफ़ यू आर डूइंग इट प्लीज़ स्टॉप, क्योंकि अब ये बच्चा आप सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं, ही डजन नो द शेयरिंग, ही डजन हैव शेयरिंग स्किल्स और शी डजन हैव शेयरिंग स्किल्स, एंड द चाइल्ड गोज आउट टू द स्कूल आउट ऑफ द एक होता ना कन्फाइंड एनवायरमेंट से निकल के, एक ऐसा लगता है एज इफ ही और शी इज़ ड्रॉप्ड इनटू द ओशन, जहाँ सारे डिफरेंट वैल्यूज के, डिफरेंट फिलोसफीज के लोग हैं, एंड द चाइल्ड हैज़ टू एडजस्ट। आपको क्या लगता है कैसे एडजस्ट करेगा? या तो वो बिल्कुल शट डाउन हो जाएगा, या वो हर चीज़ उसको शेयरिंग ही नहीं है, बच्चे की गलती ही नहीं है क्योंकि आपने घर में उसको शेयरिंग हैबिट ही नहीं डाली है। हो सकता है उसकी एक उसके अपनी डिस्पोजिशन है शेयरिंग की, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, कि बच्चे में अंदर से ही उसके अंदर एक ये एक इननेट उसकी नेचर है, ही लाइक्स टू और शी लाइक्स टू शेयर, देन देयर इज़ नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर कहीं बार आप देखते हैं बच्चे को, हम अगर वो शेयरिंग नहीं कर रहा है तो आप क्या करें? आप वो नौबत आने ही मत दें कि बच्चा अगर स्कूल जाता है, या आपको कंप्लेंट्स आ रही हैं कि शेयरिंग स्किल्स आर रियली बैड, आप घर से ही शुरू करिए ना। आप जो भी चीज़ लाएं, मेक श्योर, अगर आप न्यूक्लियर फैमिली हैं तो बच्चे को कहिए कि आपको ये शेयर करना है मम से या डैड के साथ, आपस में तीनों में शेयर करना है। अगर आप सिंगल मॉम हैं, आप कहीं आपको मेरे साथ शेयर करना है। आप अगर आप जॉइंट फैमिली में हैं तो कहीं ग्रैंड पेरेंट्स के साथ शेयर करना है, और अगर जॉइंट फैमिली में बच्चे हैं तो आपको सबके साथ शेयर करना है। एंड इनडायरेक्टली आप उस बच्चे के अंदर इतनी अमेजिंग स्किल्स डाल देंगे जो बड़े होके बच्चों को कहाँ से कहाँ पहुँचाएंगे। ये सुनने में छोटी बात लगती है, शायद आपको करने में लगे इसमें क्या ऐसी बड़ी बात बता दी है, लेकिन रियली दीज आर ग्रेट डिस्पोजिशंस ऑफ लर्निंग, शेयरिंग स्किल्स, टर्न टेकिंग, और ये बच्चे का जो सेल्फ एस्टीम है उसको डेवलप करती है, बच्चे में एक रेजिलियंस लाती है, एक कॉन्फिडेंस लाती है। और ये हम उसको टीच नहीं कर सकते, यू कॉन्ट टीच दीज थिंग्स टू द चाइल्ड, दीज थिंग्स कैन बी एनकरेज्ड, एंड यू एज अ पेरेंट ओन्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन योर शोल्डर्स। अब हम सिनेरियो टू पे आते हैं, जहाँ बच्चा एक से ज़्यादा बच्चे हैं, आपने अगेन प्रोवाइड कर दिया उनको बहुत सारी चीज़ें, लेकिन आप ऐसा नहीं करते ना समटाइम्स, अगर दो या तीन बच्चे हैं तो आप सेम चीज़ें सेम तीन बार नहीं आएंगे, आप यही कहेंगे ना शेयर करिए, बट वॉट इफ़ शेयरिंग हैबिट इज़ नॉट देयर, फिर क्या होगा? और जनरली ऐसे फैमिलीज में क्या देखा जाता है, जो बड़ा बच्चा होता है, अनफॉर्चुनेटली हम उसको बच्चे की कैटेगरी से निकाल के सडनली उसको एक बहुत बड़ा एक एडल्ट की तरह देखना शुरू कर देते हैं, कि ही और शी हैज़ टू गिव टू द यंगेस्ट ऑफ द सिबलिंग, जो भाई को दे दो या बहन को दे दो, यानी कि उसको आपने उसकी प्रोग्रामिंग एक सेक्रीफाइसिंग मोड की कर दी, कि यू आर
मतलब एक बड़ा बच्चा है, यू हैव टू गिव इट टू योर ब्रदर और सिस्टर, यानी कि शेयरिंग तो खत्म हो गई। उसको तो एक्सपेक्ट किया जाएगा कि एवरी टाइम आपने बस देना ही है। आपको क्या लगता है, आपने इनडायरेक्टली अपने बच्चे के अंदर अनइंटेंशनली अननोइंगली इतना मनी भी आपने स्पेंड करी सारी चीज़ों के अंदर, लेकिन क्योंकि आपके छोटे बच्चे को वो चीज़ मिल जाए, आपने बड़े बच्चे को एक गिवर बना दिया, एक सेक्रीफाइसिंग मोड में ले गए। क्या इमोशन आपने इनडायरेक्टली उसके अंदर डेवलप कर दिए, एक एंगर का, एक हेट्रेड का, सिबलिंग राइवलरी का, विच इज़ वेरी कॉमन। लेकिन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? शायद एज अ पेरेंट हम रिस्पॉन्सिबल हैं। फिर हम लोग खुद ही उस स्ट्रेस को हैंडल नहीं कर पाते, क्योंकि घर में नेचुरली फिर क्योस हो जाता है, फिर उसमें लड़ाई हो जाएगी, बच्चों में कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, अगेन एक स्मॉल थिंग विल एस्केलेट टू अ हाई लेवल। लेकिन अगर हमें यही अवेयरनेस हो कि जो भी चीज़ आई है, यू हैव टू शेयर विद एवरीवन, स्टार्ट टेकिंग टर्न्स। आई नो इट साउंड्स इजी, इट लुक्स इजी, बट इट्स नॉट डिफिकल्ट ईदर, ट्रस्ट मी, इट्स नॉट डिफिकल्ट। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ मैक्सिमम 3 वीक्स। मैक्सिमम 3 वीक्स तो मैं आपको बोल रही हूँ, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंटली और एक पेज पे काम करेंगे, बिकॉज कंसिस्टेंट प्रैक्टिस एंड वर्किंग ऑन द सेम पेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जनरली फैमिलीज में क्या देखा जाता है, क्योंकि एक फैक्टर नहीं होता है, बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं। बच्चे को पता चल जाता है कि अगर मम्मी ने ना करी है तो पापा शायद दे देंगे, वो पापा के पास जाता है। अगर पापा ने दे दिया तो बच्चे को पता चल जाता है, ओके कहीं ना कहीं तो मैं अगर बोलूँगा तो मुझे मिल जाएगा। बट अगर चाहे ग्रैंड पेरेंट्स हैं या आप हैं, आपके हस्बैंड हैं, अगर इफ़ यू आर ऑल वर्किंग ऑन द सेम पेज, कंसिस्टेंटली ऑन द सेम पेज, तो बच्चा ही कैन नॉट और शी कैन नॉट प्ले विद यू। उसको पता है अगर मम ने ना किया है तो डैड भी ना करेंगे, आंसर विल बी नो। और प्लीज़ अगर आप पैम्पर कर रहे हैं इन चीज़ों के लिए, तो यू आर इनडायरेक्टली इनडायरेक्टली गलत चीज़ बच्चे के अंदर जा रही है, उसकी प्रोग्रामिंग रॉन्ग हो रही है। स्टॉप डूइंग इट प्लीज़। एक प्रोग्रामिंग एक और भी हो जाती है, अगर सिंगल बच्चा है या कोई भी बच्चा, कोई भी दोनों सिनेरियोज में कहीं पे भी, बच्चे को पता चल जाता है कि अगर मैं रोऊंगा, आप देखें ना जनरली ये सीन मार्केट में जाके क्रिएट हो जाता है कि बच्चे ने कोई टॉय लेना है, आपने मना कर दिया, दे थ्रो बिग टैंट्रम, वो रोएगा, आपको लगता है एम्बेरसिंग हो रहा है, लोग क्या कहेंगे, तो लोग क्या कहेंगे, ये बहुत ड्रामा है हमारे यहाँ पे, लोग क्या कहेंगे। और आपने उस बच्चे को उठा के जो भी चीज़ मांग रहे हैं कि लोग इस टाइम तो एटलीस्ट शांति हो, चलो रॉन्ग प्रोग्रामिंग, अगेन रॉन्ग प्रोग्रामिंग। बच्चे को पता चल गया है कि अगर मैं रोऊंगा तो मम्मी ने मुझे ले देना है, उसको ये भी पता चल गया है कहाँ रोना है, वो घर में नहीं रोएगा, घर में उसको पता है कि शायद नहीं मिले, उसको ये समझ आ गई है। तो बहुत छोटी छोटी टिप्स हैं, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। अगर हमें एज अ पेरेंट, हमारे में पेशेंस हो, पेशेंस इज़ द ओनली वर्च्यू, अगर नहीं है तो डेवलप करिए, प्लीज़ डेवलप करिए। और ये जो टिप्स मैं आपको दे रही हूँ, आप यकीन माने, आप करके देखें और मुझे कमेंट में बताइएगा। इतनी जल्दी तो आपको नेचुरली नहीं पता चलेगा, लेकिन आप अगर आप कंसिस्टेंटली करते रहेंगे तो आई एम श्योर कि आप खुद पे प्राउड फील करेंगे, आप अपने बच्चों के लिए प्राउड फील करेंगे। आपको एम्बेरसिंग सिचुएशन का सामना नहीं करना पड़ेगा कि अगर आपके फ्रेंड्स आते हैं या उनके बच्चे आते हैं या नेबर्स के बच्चे आ रहे हैं या बच्चा ग्रुप प्ले में खेल रहा है तो आपके बच्चे की कंप्लेंट आ रही है। क्योंकि जब सारे बच्चे, सारे पेरेंट्स अगर इन चीज़ों का ध्यान देंगे तो ये चीज़ें बहुत हद तक हम कंट्रोल कर सकते हैं। और बच्चों में जो इमोशंस, जो नेगेटिव इमोशंस आ रहे हैं, वो हम उसको पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। उस बच्चे की सेल्फ एस्टीम हाई होगी क्योंकि सारी जगह उसको तारीफ मिलेगी। अब तारीफ डजंट मीन कि ओवर सी एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। अगेन अगर बच्चा घर में कुछ ऐसी अच्छी बात कर रहा है, आप मोटिवेट करिए, आप अप्रिशिएट करिए, बट ओवरली नॉट नॉट डन, वो नहीं, क्रिटिसाइज भी नहीं करना है और ओवर अप्रिशिएट भी नहीं करना है। आप बैलेंस रहिए, आप अपने वर्डिंग्स ऐसे ले आइए कि बच्चे को हर टाइम लगे वाह, आई एम एक्नॉलेज्ड, आई एम रिस्पेक्टेड, मेरी बात सुनी जा रही है। और घर में आप एज अ मदर या एज अ फादर या एज अ ग्रैंड पेरेंट जो क्वालिटी टाइम दे सकते हैं, वो कोई भी नहीं दे सकता। और यही बच्चा अगर बाहर जाता है, अपने स्कूल में जाता है, अपने ग्रुप में जाता है, बड़े क्लासेस में जाता है, he will learn to respect everyone in his group because he knows he has to learn. It's not that what I say is right. No. Social skills kya hai? Ye to social skills develop karne hai. Listen to everyone in your group. Respect everyone in your group.
इट्स नॉट वॉट आई वॉन्ट, इट्स वॉट वी वॉन्ट. और ये मुश्किल नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस की ज़रूरत है. और ये डिस्पोजिशंस वी कैन नॉट टीच, वी कैन एनकरेज. और मैं तो एक ब्लेसिंग कहूँगी, अगर आप जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं तो इट्स अ ब्लेसिंग कि अगर ये लॉकडाउन के टाइम पे आप अगर फैमिलीज के साथ, अदर फैमिलीज के साथ नहीं मिल सकते हैं, आप अपने ही घर में एक मदर और एक टीचर की हैट भी डाल लीजिए इंस्टेड ऑफ देरानी जेठानी या आप कौन है, सो सॉरी डोंट माइंड. लेकिन मैं इसको हेल्दी वे में लेना चाहती हूँ, आप भी इसको हेल्दी वे में लीजिए. आप ये मत देखिए कि मेरा बच्चा अच्छा कर रहा है या उसका बच्चा अच्छा कर रहा है ज़्यादा मेरे. डोंट कंपेयर, स्टॉप कंपेयरिंग. इंस्टेड ऑफ करेक्टिंग देम, स्टार्ट कनेक्टिंग विद देम एंड यू विल सी अ बिग डिफरेंस. सो थैंक यू. आई होप आपको ये पसंद आया होगा. इफ़ यू लाइक माई पॉइंट्स, अगर आपको लगता है कि ये वैल्यूबल है, डू लेट मी नो एंड डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल. इट माइट हेल्प, यू नेवर नो, इट माइट हेल्प न्यू यंग फैमिलीज. थैंक यू सो मच. थैंक यू. बाय बाय.